सिर्फ खड़े होकर के आप समुंदर को पार नहीं कर सकते, ये बात जो है रविन्द्रनाथ टैगोर ने कही थी। ठीक उसी प्रकार से सिर्फ वीडियो क्लिक करके और 1 या 2 मिनट देख करके आप जो है वीडियो को पूरा नहीं समझ सकते हैं। वीडियो आप पूरा देखिए तभी आपको समझ में आएगा। अगर नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट करिए, कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको कहाँ नहीं समझ में आ रहा है, क्या दिक्कतें आ रही है। जय हिंद। आई एम AK सर एंड वेलकम टू स्टार AK इंग्लिश क्लासेस। तो आज आप देख सकते हैं व्हाइट बोर्ड पे नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम का चौथा पार्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं। 3 पार्ट का वीडियो हमने बना करके अपलोड कर दिया और चौथा पार्ट हमको आज पढ़ना है। और इस चौथे पार्ट में चल क्या रहा है, एक्सप्लेनेशन। यानी तीन जो है यहाँ पे 3 पार्ट का वीडियो हमने अपलोड किया और वीडियो जो है बहुत शॉर्ट में ही बना रहा हूँ, 10 से 15 मिनट के अंदर समाप्त कर दे रहा हूँ ताकि आपको जो है बहुत ज़्यादा समस्या ना हो। तो आप सोचिए कि 10 मिनट 15 मिनट आप जो है वीडियो नहीं देख सकते, नहीं पढ़ सकते, तो फिर आगे आप क्या करेंगे? फिर आपको 2 2 घंटा 3 3 घंटा 4 4 घंटा एग्जाम में जो है बैठ कर लिखना पड़ेगा, उस समय आप क्या करेंगे? या 3 घंटा आप एग्जाम के लिए कैसे तैयारी करेंगे, घर पर कैसे पढ़ेंगे? तो इसलिए मैं 15 मिनट का ही वीडियो बना रहा हूँ, 10 मिनट का बना रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। आप लोग समझने का प्रयास करिए, नहीं समझ में आ रहा है कमेंट करिए, यदि आप नए हैं तो जो है आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और जो है अपने मित्रों को शेयर करिए। देखिए यहाँ पे समरी इसका जो है जल्द ही आएगा, जैसे ही आपका एक्सप्लेनेशन समाप्त होता है समरी बहुत जल्द आने वाला है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं, एक्सप्लेनेशन की तरफ चलते हैं। हमारे पास बुक है, बुक से भी समझाएंगे और ये व्हाइट बोर्ड से भी समझाएंगे, बेहतरीन तरीके से समझाएंगे। देखिए यहाँ पे कह क्या रहा है, कह रहा है कि द डे वॉज सिम्बोलाइज, समझने का प्रयास करिएगा। द डे वॉज सिम्बोलाइज फॉर मी बाय द प्लेइंग ऑफ आवर टू नेशनल एंथम्स। यानी इसके पहले हमने एक्सप्लेनेशन में बताया था, जो लोग शुरू से एक्सप्लेनेशन देखे होंगे उनको जो है बिल्कुल समझ में आया होगा, क्योंकि शुरू में हमने बताया था कि जो है नेल्सन मंडेला जो है रंग भेद की नीति को समाप्त करने के लिए लड़ते हैं, राष्ट्रपति बन जाते हैं और दक्षिण अफ्रीका के, और जो है शपथ ग्रहण के लिए मंच पर चढ़ते हैं। तो जब मंच पर चढ़ते हैं तो जो है शपथ ग्रहण लेते समय और मंच को संबोधित करते समय बहुत सारे बातों को बताते हैं, उसमें ये भी बात जो है बता रहे हैं। बाकी के पीछे जो है हम लोग 3 पार्ट में पढ़े हैं, आगे चौथे पार्ट में पढ़ रहे हैं कि द डे वॉज सिम्बोलाइज्ड फॉर मी बाय द प्लेइंग ऑफ आवर टू नेशनल एंथम्स। यानी यहाँ पे देखिए कह रहा है कि हमारे 2 राष्ट्रीय गीतों के गायन के द्वारा, हमारे 2 राष्ट्रीय गीतों के गायन के द्वारा यह दिन मेरे लिए एक प्रतीक बन गया था। उनके लिए क्या बन गया था, सिम्बोलाइज यानी एक प्रतीक बन गया था। एंड द विजन ऑफ वाइट सिंगिंग निकोसिया सिक्लेले अफ्रीका, यानी यहाँ पे देखिए एंड द विजन ऑफ वाइट सिंगिंग निकोसिक्लेली आई अफ्रीका, यानी यहाँ पे कह रहा है कि और श्वेत लोगों का स्वप्न जो नकोसी सिक्लेली अफ्रीका, और श्वेत लोगों का स्वप्न जो नकोसी सिक्लेली अफ्रीका, एंड ब्लैक्स सिंगिंग डाई स्टीम द ओल्ड एंथम ऑफ रिपब्लिक। यानी यहाँ पे कह रहा है कि एंड ब्लैक्स सिंगिंग डाई स्टीम द ओल्ड एंथम ऑफ रिपब्लिक, यानी यहाँ पे कह रहा है कि और जो काले लोग थे वो गणतंत्र का पुराना राष्ट्रीय गान गा रहे थे डाई स्टीम, यानी श्वेत लोग जो है कौन सा गीत गा रहे थे, निकोसिक्लेली अफ्रीका, और जो है जो काले लोग थे वो गणतंत्र का पुराना राष्ट्रीय गान डाई स्टीम गा रहे थे। आगे कह रहा आल्दो यानी यद्यपि डैट डे, यानी आल्दो यद्यपि डैट डे यानी उन दिनों, कह रहे हैं यहाँ पे कि डैट डे उन दिनों नेदर ग्रुप न्यू द लायरिश ऑफ एंथम, यानी यहाँ पे कह रहा है कि नेदर ग्रुप न्यू द लायरिश ऑफ एंथम, यानी यहाँ पे कह रहा है कि कोई भी दल यानी जो है राष्ट्रीय गान का सही लय नहीं जानता था, कोई भी लय दल जो है यानी श्वेत लोग और काले लोग दोनों लोग में से कोई भी दल जो है अपने राष्ट्रीय गान का सही लय नहीं जानता था। देवंश डिस्पाइज जो वे दोनों जिससे वे दोनों नफरत करते थे, यानी आपस में नफरत करते थे। तो जो यहाँ पे कह रहा है कि दोनों दल जो है यहाँ पे राष्ट्रीय गान का राष्ट्रीय गान का सही लय नहीं जानते थे। दे यूड सुन नो द वर्ड्स बाई हर्ट, दे यूड सुन नो द बाई वर्ड्स नो द वर्ड्स बाई हर्ट, यानी यहाँ पे कह रहा है कि शीघ्र ही वे इसे अपने इसके शब्दों को अपने दिलों में याद कर लेंगे, शीघ्र ही इसके शब्दों को जो है यानी राष्ट्रीय गान के जो है शब्द हैं उसको अपने दिलों में याद कर लेंगे।
अब आगे देखिए अगला पैराग्राफ कह रहा है कि ऑन द डे ऑफ इनाग्रेशन यानी उद्घाटन वाले दिन, ऑन द डे ऑफ इनाग्रेशन यानी उद्घाटन वाले दिन, आई वॉज ओवर हेलमेड विथ अ सेंस ऑफ हिस्टोरी, यानी यहाँ पे कह रहा है कि आई वॉज ओवर हेलमेड विथ अ सेंस ऑफ हिस्टोरी, यानी मैं इतिहास के भावना से ओतप्रोत था। यहाँ पे कह रहा है कि आई वॉज ओवर हेलमेड विथ द सेंस ऑफ हिस्टोरी, यानी मैं इतिहास के भावना से ओतप्रोत था। आगे इन द फर्स्ट डिकेड, डिकेड मीन्स क्या होता है, दशक। अब दशक का मतलब क्या होता है, दशक का मतलब होता है कि एक दस साल को, जैसे मान लीजिए 2010 से लेकर के 2020 तक, यानी 10 साल आपका हो गया, तो इस 10 साल को जो है 10 साल के बीच के समय को हम क्या कह सकते हैं, एक दशक कह सकते हैं, यानी जब भी 10 वर्ष पूरा होगा उसे जो है एक दशक, यदि कोई व्यक्ति 50 वर्ष का हो गया तो उसे हम कह सकते हैं कि वह 5 दशक का हो गया है। तो डिकेड मीन दशक, और दशक का मतलब होता है कि 10 साल को जो है दशक बोलते हैं, और सेंचुरी मीन जो है 100 वर्षों को सेंचुरी बोला जाता है। तो यहां पे कह रहा है कि इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, यानी यहाँ पे कह रहे हैं कि 20वीं सदी के प्रथम दशक में, इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th मीन्स क्या होता है, 20 होता है, सेंचुरी मीन्स क्या होता है, सदी होता है, यानी 20वीं शताब्दी के या 20वीं सदी के जो है प्रथम दशक में, अ फ्यू ईयर्स आफ्टर द बिटर एंग्लो बोअर वॉर, यानी कह रहा है कि अ फ्यू ईयर्स आफ्टर द बिटर एंग्लो बोअर वॉर, यानी यहाँ पे कह रहे हैं कि जो है भयंकर एंग्लो बोअर वॉर के बाद, यानी यहाँ पे कह रहे हैं कि जो 20वीं सदी के प्रथम दशक में और भयंकर एंग्लो बोअर वॉर के एंड, आगे कह रहा है कि एंड बिफोर माय ऑन बर्थ तथा मेरे जन्म से पहले, एंड बिफोर माय ऑन बर्थ तथा मेरे स्वयं के जन्म से पहले, द वाइट स्किन्ड पीपल्स ऑफ साउथ अफ्रीका, यानी द वाइट स्किन्ड पीपल्स ऑफ साउथ अफ्रीका, यानी कह रहा है कि दक्षिण अफ्रीका के श्वेत चमड़ी वाले लोग, यानी दक्षिण अफ्रीका के श्वेत चमड़ी वाले लोगों ने, यहाँ पे कह रहा है कि पैच देयर डिफरेंसेस, पैचड देयर डिफरेंसेस, यानी यहाँ पे कह रहा है कि जो है वे लोग अपने भेदभाव खत्म कर लिए थे, यानी दक्षिण अफ्रीका के जो श्वेत चमड़ी वाले लोग थे वे लोग अपने भेदभाव खत्म कर लिए थे, एंड इरेक्टेड अ सिस्टम ऑफ रेशियल डोमिनेशन अगेंस्ट द डार्क स्किन्ड पीपल ऑफ देयर ऑनलैंड। अब समझिए यहाँ पे क्या कर रहा है, एंड इरेक्टेड अ सिस्टम ऑफ रेशियल डोमिनेशन अगेंस्ट द डार्क स्किन्ड पीपल्स ऑफ देयर ऑन लैंड, यानी यहाँ पे कह रहे हैं कि जो है आगे कह रहे हैं यहाँ पे कि और अपने स्वयं के देश के काली चमड़ी वाले लोगों के विरुद्ध जातीय प्रभुत्व वाली एक व्यवस्था का निर्माण कर लिया था, अर्थात कहने का मतलब जो श्वेत लोग थे उन्होंने अपने भेदभाव को समाप्त कर लिए थे, और जो उनके देश में यानी उन्हीं के देश में यानी स्वयं के देश में जो है काले लोग थे उन लोगों से जो है जातीय प्रभुत्व वाले जो है भेदभाव उन्होंने क्या किया था, स्थापित कर लेते, यानी अपने देश के लोगों से, अपने ही धरती के लोगों से जो उन्होंने क्या किया था, जातीय भेदभाव का जो है प्रभुत्व उन्होंने स्थापित कर लिया था, यही बात जो है इस लाइन में कह रहा है। आगे द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड फॉर्म द बेसिक ऑफ वन ऑफ द हार्शेस्ट, अब देखिए यहां पे क्या कह रहा है, द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड फॉर्म्ड द बेसिक ऑफ वन ऑफ द हार्शेस्ट, यानी यहां पे देखिए क्या कह रहा है कि उस ढांचे ने जो उन्होंने खड़ा किया था, द स्ट्रक्चर यानी उस ढांचे ने, दे क्रिएटेड जो उन्होंने खड़ा किया था, फॉर्म्ड द बेसिस ऑफ वन ऑफ द हार्शेस्ट, यानी यहाँ पे कह रहे हैं कि जो है वह जो है यहाँ पे संसार में एक सबसे कठोर, संसार में एक सबसे कठोर, मोस्ट इनह्यूमन यानी सबसे अमानवीय, अमानवीय का मतलब जो है कि जो मनुष्यों के द्वारा ऐसा कार्य जो है नहीं किया जाता है उसे अमानवीय कहा जाता है, यानी जो है जानवर हमारे साथ व्यवहार, जिस तरह से जानवर हमारे साथ व्यवहार करते हैं, जो मनुष्य जो है एक दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता है तो उसे जो है अमानवीय कहा जाता है। तो कह रहे आप कि मोस्ट इनह्यूमन यानी सबसे जो है अमानवीय सोसाइटी द वर्ल्ड हैज एवर नोन, यानी यहाँ पे कह रहे हैं कि जो है सबसे अमानवीय समाज का आधार बना लिया था, यानी कहने का मतलब जो है कि जो ढांचा उन्होंने जो है एक दूसरे से भेदभाव का, सफ़ेद लोगों ने जो है काले लोगों के विरुद्ध जो है जो ढांचा उन्होंने खड़ा किया था, यह संसार का सबसे कठोर और सबसे अमानवीय जो है ढांचा बनकर तैयार हो गया था, जो यहाँ पे कह रहा है कि जो है समाज का जो है समाज के लिए उन्होंने जो अपने समाज के उद्धार के लिए उन्होंने बनाया था। अब आगे देखिए,
आगे यहाँ पे क्या कह रहा है, कह रहा है कि नाउ यानी अब के समय में जब वह शपथ ले रहे हैं उस समय की बात बता रहे हैं कि नाउ अब इन द लास्ट डिकेड यानी अब अंतिम दशक में यानी 20वीं सदी के ऑफ द 20th century यानी 20वीं सदी के अंतिम दशक में इन द लास्ट डिकेड ऑफ द 20th century और 20वीं सदी के अंतिम दशक में एंड माई ऑन 8 decade एज अ मैन यानी अब देखिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि एंड माई ऑन 8 decade एज अ मैन यानी यहाँ पे कह रहे हैं कि जो है और एक आदमी के रूप में मेरे स्वयं के 8वें दशक में और एक आदमी के रूप में मेरे स्वयं के 8वें दशक में वन डैट रिकॉग्नाइज द राइट्स एंड फ्रीडम्स ऑफ ऑल पीपल्स रिगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ देयर स्किन यानी यहाँ पे कह रहे हैं कि जो है और उसका स्थान जो है एक ऐसे ढांचे ने ले लिया। देखिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि डेट सिस्टम हैड बीन नॉट अनमाइंडफुल ऑफ ओवर टर्न फॉर एवर यानी यहाँ पे कह रहे हैं कि जो है और जो है अब समझिए यहाँ पे कह रहे हैं कि वह ढांचा जो है हमेशा के लिए बदल गया। डेट सिस्टम हैड बीन नॉट अनमाइंडफुल यानी जो है ढांचा हमेशा के लिए क्या हो गया बदल गया है ऑफ ओवर टर्न फॉर एवर यानी वही कह रहे हैं कि यह ढांचा जो है अब हमेशा के लिए बदल गया। अर्थात कहने का मतलब क्या है कि प्रथम दशक में अब 20वीं सदी के प्रथम दशक में क्या था लोग जो है काले चमड़ी वाले लोग और जो है सफ़ेद चमड़ी वाले लोग आपस में भेदभाव करते थे लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं कि 20वीं सदी के प्रथम दशक में अंतिम दशक में और यहाँ पे कह रहे हैं कि एंड माई ऑन 8 decade एज अ मैन यानी यहाँ पे कह रहे हैं कि और मेरे स्वयं के 8वें दशक में यानी इनके स्वयं के अर्थात ये कितने साल के हो गए थे 80 साल के हो गए थे स्वयं के 8वें दशक में यानी 80 साल के ये हो गए थे 80 साल के उम्र में जो यहाँ पे बता रहे हैं कि जो है डेट सिस्टम हैड बीन नॉट अनमाइंडफुल ऑफ ओवर टर्न फॉर एवर यानी यहाँ पे कह रहे हैं कि जो है वह ढांचा हमेशा के लिए बदल गया है और उसका स्थान यहाँ पे देखिए रिप्लेस्ड बाय वन डेट रिकॉग्नाइज द राइट एंड फ्रीडम्स ऑफ ऑल पीपल्स रिगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ देयर स्किन्स और यहाँ पे कह रहे हैं कि और उसका स्थान एक ऐसे ढांचे ने ले लिया है जो सभी लोगों को बिना उसकी चमड़ी के रंग के भेदभाव से और यहाँ पे कह रहा है कि समान रूप से उसके अधिकार और स्वतंत्रता को पहचानता है यानी कहने का मतलब कि जो है अब जो है पहले लोग एक दूसरे से भेदभाव करते थे लेकिन उसके जगह पे एक ऐसा यानी उसका स्थान जो है एक ऐसे ढांचे ने लिया है उसका एक ऐसा ढांचा यहाँ पे जो है आपको बता रहे हैं कि जो है अब सभी लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं एक दूसरे के स्वतंत्रता को समझ रहे हैं और एक दूसरे के यहाँ पे कह रहे हैं कि जो है अधिकार को समझ रहे हैं कि दोनों लोगों का जो है यानी काले लोगों का अधिकार क्या है और गोरे लोगों का अधिकार क्या है। तो ये आज के लिए जो है इतना ही था, बाकी इसके आगे कल जो है वीडियो आएगा और बहुत ही बेहतरीन तरीके से और मैं प्रयास करूंगा कि और थोड़ा धीरे धीरे वीडियो जो बढ़ाते जाओ ताकि लंबा समय ना लगे। आज जो आपका 13 मिनट 14 मिनट का वीडियो इस तरह से करके जो है धीरे धीरे बढ़ाया जाएगा ताकि लंबा समय ना लगे, नहीं तो इस तरह से बहुत ज्यादा समय लग सकता है। तो आज के लिए इतना है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।